First of all, good morning you all of the students. Today my topic is binary addition and adder logic circuit. It is the topic of the book of DLD. It means the book of digital logic design, and it's chapter 4 maybe. So let's go to start our topic. In this video I will speak in both languages, Urdu and English. So let's start. सबसे पहले हम इसमें start करेंगे कि दो binary numbers को add कैसे करना है. तो यहाँ पर मैं दो binary numbers लिख देता हूँ. रुकिए एक मिनट. 1010 और 1101. जी, ये हमारे पास दो नंबर हैं, 1010 और 1101. जी, तो ये सबसे पहले आइए इन दोनों को ऐड करते हैं. तो एक और बात बताता चलूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है बाइनरी एडर एंड एडर लॉजिक सर्किट, ये हम 4-bit का कर रहे हैं, 4-bit सिस्टम में. तो इसमें हम मतलब 4 bits को ही ऐड आपस में कर सकते हैं. तो इसका एक और भी मतलब है कि हम इसमें 8-bit भी कर सकते हैं. ये बिल्कुल 4-bit सिस्टम और 8-bit सिस्टम बिल्कुल सेम है. सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि 4-bit सिस्टम में हमारे पास 4 values होती हैं और किसी भी इनपुट की, और 8-bit सिस्टम में हमारे पास किसी भी इनपुट की 8 values होती हैं. तो यहाँ देखिए हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं, ए और बी. तो इन दोनों की 4 4 value हैं. तो ये हमारे पास 4-bit सिस्टम है. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4-bit सिस्टम में. तो आइए इनकी एडिशन करते हैं. 0+1 इज़ इक्वल टू 1, एंड 1+0 इज़ अगेन इक्वल टू 1, एंड 0+1 इज़ इक्वल टू 1, एंड 1+1 इज़ इक्वल टू 1 0. तो 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा. तो 1 कैरी को हम यूँ लिख देंगे, यूँ. लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया इट इज़ अ 4-bit बाइनरी नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को 4-bit के थ्रू कर रहे हैं. तो हमारे पास जो 5th bit आएगी उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे 5th bit को. तो इसको हम कह देंगे जी, तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे ये ओवरफ्लो हो रहा है हमारा. तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं ओवरफ्लो, और ये हमारे आंसर में भी हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ओवरफ्लो है. तो हमने इन दोनों बिट्स को ऐड किया तो हमारे पास ये जो आंसर आया 4 bits के अंदर वो है 0111. तो अब तो हमने सिर्फ की एडिशन. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसा कि हम ये हमारे पास ए है, ए रो. तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ यूँ होंगे, ए ज़ीरो, ए वन, ए टू और ए थ्री. ओके, इसी तरह हम बी की बात करते हैं तो बी की वैल्यूज़ होंगी, ये होंगी बी ज़ीरो, ये होगी बी वन, ये बी टू और बी थ्री. इसी तरह अगर हम 8-bit सिस्टम करते हैं तो हमारे पास ये 8 8 value होंगी. तो अब हम इसका एक मतलब एडर बनाते हैं, इसकी इसे कहते हैं ग्राफिकली हम इसको करते हैं, शो करते हैं. जी, तो ये देख सकते हैं आपने, आपके मैंने आपके सामने एक ये शेप सी ड्रा कर दी है एडर की, इसको एडिशन करने के लिए. तो इसको हम, इस सिस्टम को हम फुल एडर भी कहते हैं कि हम फुल एडर कर रहे हैं ग्राफिकली. ओके, यानी हम फुल एडर के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो ये 4-bit फुल एडर भी हो सकता है और 8-bit फुल एडर भी हो सकता है. जी, तो अभी ये मैंने 4 boxes बनाए हैं, मतलब ये 0 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला और 3 वाला हमारे पास. देखें तो इसमें मैंने 2 inputs देनी है, ये देखें A0, B0, इसी तरह A1, B1, A2, B2, A3, B3. तो ये देखें मैंने इनमें 2 2 inputs दे दी. तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आएगी आउटपुट, तो S0, S1, S2, S3. जी, तो ये तो हमारे पास आउटपुट हो गई. तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक और एरो का निशान है. हमारे पास एक तो इनपुट होती है, एक आउटपुट सम होता है, लेकिन एक हमारे पास आउटपुट में कैरी भी आ रहा होता है. तो हमने इसको ये जो यूँ एरो लगाए हुए हैं, ये हमारे पास कैरी है.
C0, C1, C2, C3 और जो एंड वाला है इसको हम बोल देंगे सी आउट, मतलब ये हमारा ओवरफ्लो, ये जो एंड वाला कैरी होगा ये हमारा ओवरफ्लो कर देगा जी। तो इसके अंदर हम लिख लगते हैं एफ ए, ये एक फुल एडर फंक्शन है जी। तो ये आप देख सकते हैं, अब हमने इन दोनों नंबर्स को, मतलब ये जो हमने ऊपर बाइंडिंग की एडिशन किया है, इसको इस सर्किट के थ्री जरिए ड्रा करना है। तो जहाँ जहाँ पर इनपुट जो बनती है, पहले हम एक ही इनपुट देख लेते हैं, A0123 पर हमारी है 0101, तो ये यहाँ पर पुट कर लें। एक मैं पेंसिल चेंज कर लेता हूँ, ये यह देखें यहाँ पर हमारी A0 की इनपुट आएगी, A0 की इनपुट हमारे पास 0 आ जाएगी और A1 की इनपुट हमारे पास 1, इसी तरह A2 की भी 0 और A3 की भी 1। अब हमने ये बी वाली इनपुट्स इस पर अप्लाई करनी है 1011, तो B0 की इनपुट हमारे पास 1 है, इसी तरह B1 की 0 है, B2 की भी 1 है और B3 की भी 1 है। तो ये हमने A और B की इनपुट्स अप्लाई कर दी। इसके अलावा अभी हमने करना है कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। हमारी फर्स्ट आउटपुट थी S1 1 है, S2 भी हमारा देख ले 1 है, S3 भी हमारा 1 है और S4 हमारा 0 है। ये हमारा, मतलब ये हमारे एस के आंसर हैं जी। अब हमारे पास रहेगा कैरी, तो हमारे पास C0 तो हमारे पास 0 ही था, क्योंकि हमारे पास पहले तो कोई भी कैरी नहीं था। तो इसके बाद हमारे पास C1 आता है, तो C1 की बात करते हैं। देखिए, जब हमने A0 और B0 की जमा किया था, देखें A0 और B0 को जब हमने जमा प्लस किया था, तो हमारे पास 1 आया था और कैरी कोई भी नहीं था आया, तो मतलब कैरी 0। इसी तरह जब हमने A1 और A2 को प्लस किया था, ऐड किया था, तो कैरी कोई भी नहीं था आया, फिर भी कैरी 0, C2 भी 0। इसी तरह जब हमने 0 और 1 को यहाँ पर प्लस किया था, तो भी कैरी कोई नहीं था आया, तो यहाँ पर भी 0। इसे जब हम एंड वाले A3 और B3 को हमने मतलब सॉल्व किया था, तो हमारे पास 1+1=01 आया था, 0 हमने ये लिख लिया और एक 1 हमारे पास कैरी था जो कि हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो 1 हमने यहाँ पर लिख देना है। देखें वहाँ पर भी ओवरफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी देखें हमने इसको सी आउट में लिखा है, क्योंकि ये आउट हो रहा है, मतलब ये हमारी इस एडिशन के अंदर शामिल नहीं है, ये हमारा ओवरफ्लो है। तो ये हमने पढ़ा है फुल एडर एक 4-bit। इसी तरह अगर हम ये 4 बॉक्सेस बनाए हैं, तो हम 8 बॉक्सेस बना के तो फुल एडर 8-bits को सॉल्व कर सकते हैं जी। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है, इसको हम दूसरे वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन ऑफ फुल एडर, और साथ में इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये 4-bit, ये 4-bit का डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है 4-bit फुल एडर का। इसी तरह अगर हमारे पास 8-bit फुल एडर होगा, तो हम यहाँ पर 8 बॉक्सेस बना लेंगे, 8 ही इनपुट आएंगी, 8 ही आउटपुट आएंगी और 8 ही हमारे पास कैरीज आएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन इज आई थिंक वेरी इजी। तो अब हम करेंगे फुल, ये हमारे पास बाइनरी एडिशन थी यानी फुल एडर था, तो अब हम फुल सबट्रैक्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फुल सबट्रैक्टर अगर आपने स्टडी करना है, तो आपको इसी वीडियो के क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप 4-bit या 8-bit फुल सबट्रैक्टर और उसकी मतलब लॉजिक, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन भी उसको देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।